पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिबेट हर साल आईफोन या सैमसंग, सैमसंग या आईफोन। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को ऐसी चीजों में कंपेयर करें जिससे आपको सच में बहुत फर्क पड़ता है, और ऐसी 8 चीजें हैं जो सच में मैटर करती है जब आप फोन खरीद लेते हैं और उसको यूज करते हैं। चलो करते हैं बात। और सबसे पहले लुक एंड फील, एक बात तो क्लियर है, दोनों में पीछे मैट फिनिश टेक्सचर है, काफी बोल्ड लुकिंग कैमरा आइलैंड्स हैं, और दोनों की बैक काफी स्लिपरी है, जो अच्छी बात भी है और कभी कभी खतरनाक भी। लेकिन पकड़ने में S23 Ultra की ग्रिप ना ज्यादा कंफर्टेबल है, और वो इसीलिए क्योंकि उसके एजेस कर्व्ड हैं। आईफोन के एजेस ना थोड़े शार्प हैं, तो उसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी चुभती है, और मतलब आप खुद ही दोनों फोन्स पकड़ के देख लो, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, S23 Ultra की जो स्क्रीन है ना, पूरा स्क्रीन एंड टू एंड दिखता है। आईफोन देखने में बुरा नहीं है, लेकिन वो S23 Ultra वाली फील नहीं है, थोड़े बेजल्स है ना उसमें। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आईफोन की लुक ना थोड़ी कैजुअल है क्योंकि इसके राउंडेड कॉर्नर्स हैं, और S23 Ultra क्योंकि बॉक्सी है, थोड़ा कड़क है, तो इसकी लुक थोड़ी प्रोफेशनल है। बाकी आपकी श्रद्धा है, बट ओवरऑल मुझे S23 Ultra की लुक एंड फील बेटर लगी। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्या, iPhone 14 Pro में आगे और पीछे दोनों में सेरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन है, इसका फ्रेम स्टेनलेस स्टील का है, एंड वाटर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो वैसे देखा जाए तो iPhone 14 Pro S23 Ultra से तो बेटर है। तो भले ही S23 Ultra लुक एंड फील में बेटर है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में तो iPhone 14 Pro ही आगे है। हाँ, इंटरनेट पे मैंने जितने भी ड्रॉप टेस्ट देखे हैं, सरफेस की बात करें बैक एंड फ्रंट, तो S23 Ultra बेटर प्रूव हुआ है। लेकिन अगर फ्रेम की बात करें, या अगर फोन पानी में गिरा तो ज्यादा डीप, तो iPhone 14 Pro ही सरवाइव करेगा। लेकिन अगर आप केस लगाने वाले हो, जो मेजॉरिटी लोग लगा ही लेते हैं, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता, और इसीलिए फोन की बाकी चीजें मैटर करने लगती है, जैसे कि उसकी लॉन्ग टर्म रनिंग या लॉन्जेविटी कैसी है, और इसमें तो iPhone ही आगे है। iPhones की परफॉर्मेंस और बैटरी लंबे टाइम तक खराब नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी लंबे टाइम तक देते हैं, और इनकी रीसेल वैल्यू 100% ऑफ द टाइम Samsung फोन से तो बेटर ही होती हैं। Samsung फोन्स बाकी Android फोन से तो आगे है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में, लेकिन फिर भी Apple से आगे नहीं है। अब कैमरास, जो सबको इतने प्यारे हैं कि मतलब किसी और का कैमरा तुम्हारे कैमरे से बेटर कैसे हो सकता है, और ये जो सोच है ना कि iPhones ही सबसे अच्छे फोटोज और वीडियोज लेता है, देखते हैं और डायरेक्टली फोटो सैंपल्स ही देखते हैं। अब ये हैं कुछ फोटोज जो मैंने ऐसे ही चलते फिरते ले ली दोनों फोन से, इनमें कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं, बस ये ऐसे ही यहाँ पटक दिए। इतना बता सकता हूँ कि जनरल सेंस में S23 Ultra की फोटोज देखने में बेटर है। मतलब अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी है तो आप ये फोटोज प्रेफर करोगे ओवर आईफोन। S23 Ultra की फोटोज ना ज्यादा वाइब्रेंट है, कलर बेटर पॉप करते हैं, एंड वही फोटोज ज्यादा चलती भी हैं। iPhone 14 Pro भी अच्छे फोटोज ले लेता है, बट वो ना थोड़ी नेचुरल फोटोज लेता है, एंड हेंस वो ना थोड़ी कम वाइब्रेंट होती हैं, तो उसको ना पहले एडिट करना पड़ता है टू मेक देम वाइब्रेंट, मेक देम लुक बेटर, और फिर जाके आप उनको शेयर कर लेते हो। S23 Ultra की फोटोज ऑटोमेटिकली ये सब प्रोसेस करके देता है आपको। और कोई ना, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से ये सारे फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद कंपेयर करके इवेलुएट कर लो। चलिए अब लो लाइट फोटोज की बात करते हैं, और यहाँ दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर हैं। कभी कभी iPhone 14 Pro बेटर लगेगा और कभी आपको S23 Ultra। S23 Ultra में लो लाइट में कलर्स ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर होते हैं, AI का सही यूज करके वो नॉइज रिडक्शन एकदम मस्त करता है, एंड इन केस आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा हो लो लाइट सिचुएशन में, उसको भी वो बेटर मैनेज करता है। लेकिन जब वीडियोज की बात हो, और अगर डे टाइम वीडियोज की बात हो, आईफोन की बात ही अलग है। ऐसा नहीं है कि S23 Ultra की वीडियो क्वालिटी बुरी है, काफी अच्छी है, लेकिन iPhone की डेफिनेटली बेटर है। S23 Ultra की वीडियोस कभी थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोसेस लगती है, या कभी थोड़ी ज्यादा ब्लू। iPhone कमाल की डेलाइट वीडियोस लेता है, और S23 Ultra इसका मुकाबला नहीं कर सकता। S23 Ultra की लो लाइट वीडियोस काफी स्टेबल एंड एकदम साफ लगती हैं, और अगर कोई ब्राइट लाइट एरिया भी हो, S23 Ultra उसको बहुत सही मैनेज करता है। लेकिन iPhone की हालत देखो, कितना शेक, क्लैरिटी नहीं है, इतना नॉइस, देयर इज नो कंपैरिजन। और अगर हम सेल्फीज की बात करें, यहाँ भी S23 Ultra की सेल्फीज में ज्यादा डिटेल्स हैं, स्किन टोन जो है वो भी S23 Ultra बेटर कैप्चर करता है। और S23 Ultra में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे अगर आप फोटोज लो तो जूम करने पे भी कोई क्वालिटी, डिटेल या टेक्सचर लॉस नहीं होता। मतलब आप इन फोटोज को ही देख लो जो मैंने लिए हैं, तो आप एक फोटो से
क्रॉप करके और फोटोज भी निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो iPhone 14 Pro या Pro Max की सिर्फ डे लाइट वीडियोज ऐसी चीज है जो S23 Ultra से बेटर है। बाकी सब में एटलीस्ट मुझे S23 Ultra बेटर लगा। ओवरऑल कैमरा कैपेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी S23 Ultra ही जीतता है। और जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप फोटोज वीडियोस डाउनलोड करो और खुद इवैल्यूएट करके देख लो कि आपको कौन सा बेटर लगता है। चलिए अब थोड़ी डीप बातें करते हैं। अगर आप इन फोन्स को कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहते हैं तो थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। मान लिया कि iPhone 14 Pro डे लाइट वीडियोज बेटर लेता है, बट क्या इसका मतलब ये है कि कॉन्टेंट क्रिएशन प्रोसेस के लिए भी iPhone 14 Pro ही बेटर है? अगर आपको फोटोज और वीडियोज ट्रांसफर करने हैं तो S23 Ultra से Windows या MacBook में ट्रांसफर करना काफी आसान है, और यही आप iPhone से करके देखो, पता चलेगा। दूसरी बात, S23 Ultra के कैमरा में मैनुअल मोड है, जिससे आप वीडियोस या फोटोज लेते वक्त वाइट बैलेंस, ISO, फोकस और तो और ऑडियो और हिस्टोग्राम लेवल्स तक मॉनिटर कर सकते हैं। और iPhone में इसके लिए आपको अलग से ऐप परचेज करनी पड़ती है। S23 Ultra में ये नेटिव कैमरा में ही प्रो मोड अवेलेबल है, और सोचो ये सारे प्रो कंट्रोल्स फॉर फोटोज एंड वीडियोस फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है। और ये सब शूट करके जब एडिटिंग करोगे और एक्सपोर्ट करोगे, S23 Ultra ज्यादा तेज एक्सपोर्ट करता है फॉर द सेम सेटिंग्स, सेम क्वालिटी एंड सेम फुटेज। और 8K वीडियो शूट करने का भी ऑप्शन है S23 Ultra में, जो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है शूट करते वक्त। तो आप अपनी वीडियो फुटेज में जूम इन कीजिए, जूम आउट कीजिए, कोई क्वालिटी लॉस नहीं। मेरा पॉइंट बस इतना है कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए सिर्फ अच्छा कैमरा इनफ नहीं है। कंटेंट क्रिएट करना एक बात, लेकिन फिर उसको मैनेज करना, एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, लोगों के साथ शेयर करना, वो सब चीजें होती हैं, और उसमें S23 Ultra kicks ass। और ये मैं एक कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ। चलिए अब जनरल एवरीडे यूज की बात करते हैं। इन दोनों में OLED डिस्प्लेज हैं, जो बहुत क्रिस्प, कलर एक्यूरेट एंड HDR रेडी डिस्प्लेज हैं। चाहे आप मूवीज देखें, गेम्स खेलें या बाहर आउटडोर यूज करें, कमाल लगती हैं। दोनों के पीक ब्राइटनेस बहुत हाई है, एंड स्मार्टफोन मार्केट में इनसे अच्छे डिस्प्लेज तो नहीं मिलेंगे। गेमिंग में भी दोनों की परफॉर्मेंस नियर इक्वल है, एकदम स्मूथ परफॉर्म करते हैं, सीमलेस एक्सपीरियंस है, और दोनों के दोनों गर्म भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। देखो, कुछ हद तक तो दोनों फोन बराबर ही हैं, लेकिन अगर आपको अपने फोन से और भी ज्यादा काम करना है, S23 Ultra की बात ही अलग है। इसमें बिल्ट इन एस पेन है, जिससे आप नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स पर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड काम में और भी एफिशिएंट हो सकते हैं। सैमसंग डेक्स भी है, जिससे आप अपने फोन को ही यूज करके पीसी जैसा एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। इसमें माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करो और आराम से अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट और फाइल सर्च भी बहुत पावरफुल है। इसमें आप गूगल या वन ड्राइव की सर्विसेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो सब में होती है, लेकिन इसमें आप पॉज एंड रिज्यूम भी कर सकते हो, खुद का फेस भी ऐड कर सकते हो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त एनोटेशंस या ड्रॉ भी कर सकते हो। मल्टी विंडो जैसी चीज के साथ आप वीडियो देखते वक्त आप नोट्स भी ले सकते हैं, या कोई फोटोज और फाइल्स को सिलेक्ट करके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी को भेज भी सकते हैं। लिंक टू विंडोज फंक्शनैलिटी जैसी चीज के साथ आप S23 Ultra को सिंक करके नोटिफिकेशंस को रिस्पॉन्ड, या फाइल्स को ट्रांसफर, या फोटोज को ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीजें भी कर सकते हैं। मतलब ये तो फेयर कंपटीशन भी नहीं है। आईफोन दूर दूर तक S23 Ultra के प्रोडक्टिविटी लेवल्स के आसपास है ही नहीं, बस की ही नहीं है। और अगर आईफोन को ये सब करना भी हो ना, तो मैकबुक भी चाहिए होगा, टैबलेट यानी आईपैड भी चाहिए होगा, और एप्पल पेंसिल भी चाहिए होगा। मतलब क्यों? हाँ, अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे, करण तुमने एप्पल वॉच पहनी है, मतलब तुम आईफोन 14 प्रो यूज करते हो एज अ प्राइमरी फोन। एक्चुअली मेरे राइट हैंड में ना फ्रैक्चर था, तो मेरे को एक छोटा फोन चाहिए था यूज करने के लिए, और अब ये फ्रैक्चर खुल गया, मेरा हाथ भी सही हो गया है, अब मैं S23 Ultra पे जा रहा हूँ। चलो अब रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। और रिलायबिलिटी जो है ना, वो OS का खेल है, और दोनों के फोन का जो सॉफ्टवेयर है या OS है, कमाल है, बहुत स्मूथ है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन अगर OS अपडेट्स की बात करें तो एप्पल काफी बेटर है, क्योंकि वो 5 से 7 साल तक आपको OS अपडेट्स देता है, जबकि सैमसंग सिर्फ 4 साल तक देता है। और दूसरी बात, एप्पल ना सारे फोन्स को एक साथ सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। सैमसंग अपने लेटेस्ट फोन को सबसे पहले देगा सॉफ्टवेयर अपडेट, फिर जो उसके पहले आया था उसको देगा, और जैसे जैसे फोन सस्ते होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट का जो रिलीज है ना, वो भी ढीला होता रहता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो आईफोन काफी आगे है सिक्योरिटी में, स्पेशली ऐप यूसेज, मार्केटप्लेस पॉलिसीज एंड ऐप बैकग्राउंड को लेकर। फेस आईडी भी आईफोन में ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू S23 Ultra के फेस अनलॉक से।
वैसे मैं पर्सनली फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर फेस अनलॉक, जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगती है। और एक बात बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग की सिक्योरिटी बकवास है, बहुत बहुत अच्छी है, बस इतनी बात है कि एप्पल जितनी अच्छी नहीं है। बस आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर कोई आपका आईफोन चुरा ले वो उसको ऑफ कर सकता है बिना आपका कोड जाने, तो बेसिकली डेटा कनेक्शन ही उड़ा देगा वो। सैमसंग में आप ये नहीं कर सकते जब तक किसी को आपका अनलॉक कोड नहीं पता, तो चुराए हुए आईफोन को ढूंढना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एक सैमसंग फोन जो किसी ने चुराया हो। चलो अब हम बैटरी की बात करते हैं, और दोनों की ही बैटरीज बहुत अच्छी हैं, आपको दोनों ही 7 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देंगे ऑन अ सिंगल चार्ज। लेकिन जहां तक मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, आईफोन 14 प्रो मैक्स की बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू S23 Ultra। अब मेरे पास आईफोन 14 प्रो है, प्रो मैक्स नहीं है, तो मैंने खुद टेस्ट नहीं किया है, बट अगर बाकी एक्सपर्ट्स को देखें तो यही निकला है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स थोड़ा बेटर है। हाँ एक बात है, S23 Ultra आपके बाकी डिवाइसेस को वायरलेसली चार्ज कर सकता है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन्स, और वो दूसरे फोन्स को केबल के थ्रू भी रिवर्स चार्ज कर सकता है। iPhone 14 के फोन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब हम वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, मतलब लंबे टाइम में कौन सा फोन आपको सही में सस्ता पड़ता है। सिर्फ US में प्राइसेस सेम है दोनों फोन्स के, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में S23 Ultra सस्ता है, स्पेशली अगर आप डिस्काउंट्स एंड कैशबैक ऑफर्स को भी कंसिडर करें तो, फॉर द सेम 256 GB वेरियंट। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि S23 Ultra ही सस्ता पड़ता है, लेकिन क्योंकि iPhones 5 से 7 साल तक OS अपडेट्स देते रहते हैं, और क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू भी Samsung फोन से हमेशा ही ज़्यादा रहती है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक्चुअली iPhones की बेटर है, एंड इसीलिए ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी भी iPhones की ज़्यादा है। अब गाइज देखो, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं इस कंपैरिजन को पूरा करने के लिए, लेकिन मैंने वो चीज़ें उठाई हैं जो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादातर मैटर करती है। और ऐसी बात है कि अगर आपके लिए कैमरा कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप आपके लिए सैमसंग दिमाग में आईफोन से ज्यादा ऊपर लगेगा। लेकिन अगर आपके लिए रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लॉन्जेविटी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फॉर मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आईफोन आपके दिमाग में ज्यादा आगे होगा सैमसंग से। तो आपको ये पूछना है कि आपको जो भी फोन चाहिए वो अगले 3 से 4 साल के लिए क्यों चाहिए, क्या काम है आपका। एक और बात, अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है या आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में हैं और ऐसी कोई मेजर नीड या ड्रॉबैक फील नहीं हुआ, तो आपके पास कोई रीजन नहीं है एंड्रॉयड पे शिफ्ट करने का। वही अगर आपके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड है तो आप S23 Ultra पे ही जा सकते हैं, बिकॉज आईफोन पे आपको वो फंक्शनैलिटीज और फीचर्स और जो पावर फीचर्स हैं वो नहीं मिलने वाले हैं, और उसकी आपको आदत होगी, तो डोंट गिव दैट अप। चलिए इन दो फोन्स के बारे में मुझे तो इतना ही बोलना था। अब अगर आपके पास कुछ सवाल जवाब हो तो जरूर पूछिए। वीडियो देखने में मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर दर्द हुआ बताइए क्यों, और अगर गुस्सा आ रहा है तो डेफिनेटली बताइए, तभी तो मजा आएगा बात करने में। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही, ये मेरा हिंदी चैनल पे सेकंड वीडियो है, तो अगर कुछ फीडबैक हो तो जरूर बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सपोर्ट मिलेगा और हम ग्रो जल्दी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।